से लुक की बात कराऊँ तो ये वाला फेंडर मैंने उतार दिया हुआ है, वो फेंडर दोनों साइड के फेंडर बम्पर फ्रंट से मतलब सारी गाड़ी ओपन कर ली है, जा इसलिए नहीं सकते कि इसके अंदर कार्बोरेटर ही नहीं लगा हुआ। को एक रिम लेके आया पर इसकी पीसीडी इसके साथ मैच नहीं कर रही। मुझे इन रिम्स की भला क्या, वो कह रहे थे कि वो वाले रिम देने के बाद 3000 आप और दें और रिम्स ले जाए, मैं बड़ी बात है यार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिस तरह कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट मार्गला चल रहा है, आज के हमारे काम ये हैं कि हमने जाके गाड़ी के जो रिम्स हैं वो रिप्लेस करवाने हैं, जो भी अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं जिनको कहना फजूल है, अलॉय व्हील्स कहना फजूल है, वो चेंज करवा के हम लोहे के जो स्टील रिम होते हैं वो लगवाते हैं और ऊपर व्हील कप लगाते हैं ताकि लुक थोड़ी सारी इन्हेंस हो सके। बाकी आपको गाड़ी का अगर मैं मुआयना करवाऊँ आगे से, उस दिन पीछे से खुली हुई थी, आज सारी मैंने आगे से ओपन की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। लुक की बात कराऊँ तो ये वाला फेंडर मैंने उतार दिया हुआ है, वो फेंडर दोनों साइड के फेंडर बम्पर फ्रंट से मतलब सारी गाड़ी ओपन कर ली है, हेडलाइट्स वगैरह भी ओपन कर ली हैं और ये फेंडर्स पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताऊँ तो कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक है, काबिले कबूल है, बर्दाश्त की जा सकती है। ये देख सकते हैं आप, ये है थोड़ा सा जंग है इधर, बाकी ये फ्रेम वगैरह बिल्कुल ओके है, यहाँ से जो फ्रेम है वो बिल्कुल ओके है, थोड़ा बहुत जंग है, इतना ज़्यादा हुआ, कोई इस तरह नहीं है कि पीस गले हों, पीसीस काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी साइड से ख़राब हो रही हों, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट से बात की जाए तो नॉन एक्सीडेंटल है, किसी किस्म का नहीं है कोई भी मसला। उसके बाद ये वाली साइड की बात की जाए तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह इधर रस्ट है, थोड़ी बहुत ही है, बाकी देख सकते हैं फ्रेम बिल्कुल ओके है। जैसे मैं देख रहा था कहीं रस्ट मुझे नज़र आई थी, हाँ ये चीज़ फ्रंट से ये पीस नहीं लग जाएंगे। उसके अलावा ये नीचे से है, यहाँ से गाड़ी के अंदर वाली साइड पर फर्श है, ये सारा फर्श जब होगा पैनल वगैरह होंगे तो ये मुकम्मल ही इसका जो था रिप्लेस हो जाएगा, बाकी ये जितना भी है ये सारा रिपेयर हो जाएगा। और फेंडर मेरा जो दिल है वैसे कि फेंडर मैं रिप्लेस करूँगा इंशाल्लाह और गाड़ी का बोनट भी रिप्लेस करूँगा। बाकी अभी टायर्स को खोलते हैं, वैसे भी शाम हो गई है, सुबह निकलेंगे, अब मैंने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते, टायर्स को खोल लेते हैं, दूसरी गाड़ी में रखते हैं मीरा में, क्योंकि इस गाड़ी पर क्यों नहीं जा सकते तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किधर गया, किधर से खुल गया। इस गाड़ी पर जा इसलिए नहीं सकते कि इसके अंदर कार्बोरेटर ही नहीं लगा हुआ, इसके अंदर मसला कुछ इस तरह का आया, कार्बोरेटर में इशू आया था, गाड़ी स्टार्टिंग के अंदर इशू आ रहा था, मैकेनिक को बुलाया तो वो खोल के ही ले गया, तो बाकी मैंने कहा चलो बाकी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ, ये जो साइड्स वगैरह ये मैंने वैसे भी खोलनी थी, मैं कहा चलो ये वो कार्बोरेटर ले जाएगा, उसकी बटरफ्लाई वगैरह अगर चेंज होने वाली है मैंने कहा वो कर देना, इसकी सर्विस कर देना और जेट वगैरह इसके साफ़ कर देना, तो इंशाल्लाह वो भी कल आके लगा जाएगा। बाकी हम तब तक ये टायर्स खोल के मीरा के अंदर ले के चलते हैं, ये वाले रिम्स दे के, पता नहीं है कोई लेता भी है कि नहीं लेता, देखते हैं चल के कि कोई किसी को दे के तो दूसरा स्टील रिम हम परचेज़ कर लेते हैं, गाड़ी को लगाते हैं और व्हील कप भी परचेज़ करेंगे साथ। तो चलते हैं, बिना वक्त आए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। The next day. कपड़ा शपड़ा मार लिया मैंने तीनों को, चौथा जो था ये पहले ही पेंट हुआ हुआ है, इसका फ़ायदा कोई नहीं। बाकी गाड़ी के अंदर मैंने कपड़ा बिछा लिया ताकि सीट्स गंदी ना हों, जल्दी से गाड़ी के अंदर रखते हैं और चलते हैं जाके देखते हैं क्या बनता है। One eternity later. मार्गला को मैंने 2 से 3 दिन के अंदर रनिंग कंडीशन के अंदर लेके आना है ताकि हम गाड़ी कहीं भी लेके जा सकें, जितनी भी खुली हुई है सारी पैक भी करनी है, वो मैं एक दफ़ा नीचे से ओपन इसलिए किया, एक दफ़ा नीचे तो मैं पेंट कर लूँगा और दूसरा गाड़ी की सफाई वगैरह कर लूँगा ताकि मजीद रस्ट ना लगे। तो ठीक है, बाकी अब फेंडर वगैरह जाके जोड़, अगर हमें रिम्स मिल गए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो कोई मसला नहीं, फिर ढूंढेंगे कहीं चल के और फिर कोशिश अपनी जारी रखेंगे। रिम तो मुझे मिल जाने हैं, ये वाले जाते हैं कि नहीं जाते ये मेरा भी टास्क, मेरा ये है कि ये वाले दे के मैंने वो लेने, अगर ये ना गए तो फिर इंशाल्लाह दूसरे तो परचेज करेंगे लाजमी। तो बाकी आज का हमारा ये मिशन है कि ये वाले दे के हमने कोई रिम लेनी है, रिम हमें बस ठीक मिल जाए, कोई इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी बेशक ना हो, क्योंकि हमने ऊपर व्हील कप जो होते हैं वो लगा लेने हैं। तो देखते हैं चल के आपके क्या कंडीशन है, क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता।
आ चुका हूँ जी मैं सियालकोट की जो टायर मार्केट है लारी अड्डा, यहाँ हर किस्म के आपको टायर्स वगैरह मिल जाते हैं। रिम्स वगैरह का नहीं मैं कह सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा, पर मुझे तो कभी रिम्स वगैरह नहीं अच्छे लगे यहाँ। बाकी अब चल के देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हिसाब किताब है, और कैमरा ज़रा बंद करते हैं अभी फिलहाल, डील होने के बाद आपसे मिलते हैं। Many minutes later. मैं तकरीबन 3 से 4 शॉप्स पर घूमा हूँ, ना वो कह रही हमने ये रिम लेने हैं, और आगे से मैंने उनसे पूछा चलो यार ये ना लें पर स्टील रिम जो है मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, तो वो भी नहीं है किसी के पास। वो कहते हैं किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, तो इस तरह मैंने लेने नहीं, मैंने लेने हैं तो चारों इकट्ठे लेने हैं। तो मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं था कि यार, ये मैंने सोचा हुआ था कि शायद ये वाले ना बिके और आगे से तो मिल जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिल रहे। खैर अभी शॉप्स वगैरह दूसरी साइड पर हैं, दूसरी लेन को एक दफा खंगालते हैं और चेक करते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते। One eternity later. फाइनली रिम मुझे मिल गए हैं, अभी लिए नहीं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर दलील होने के बाद मैंने एक शॉप वाले के पास गया पंक्चर वाली शॉप पर, तो उनको मैंने कहा कि यार रिम ये वाले सेल करने का, नहीं ये वाले स्क्रैप में जाते हैं। मैं कहा ये तो मुझे भी पता है, मैं कहा यार असल में मैंने एक्सचेंज करनी है तो आप मुझे अरेंज कर दें ये वाले दे के, मुझे कुछ पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टील रिम चाहिए। तो उसने कहा कि मैं शाम तक आपको अरेंज कर दूँगा, उसके बाद फिर शाम को इंशाल्लाह ला के गाड़ी के ऊपर फिट करते हैं, साथ में व्हील कप्स भी शाम को ही मैं पकड़ लूँगा, कोई प्यारे से देखेंगे, कोई फंकी टाइप नहीं, तो बड़े डिसेंट से व्हील कप लेंगे वो गाड़ी को लगाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आज कार्बोरेटर का काम भी हो जाएगा ताकि हम शाम तक गाड़ी को स्टार्ट कर सकें। तो अगर ना हुई तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा, कार्बोरेटर भी लग जाएगा आगे, बाकी गाड़ी को तो ओके करती है ना, उसके बाद फिर गाड़ी को नेक्स्ट काम होगा हमारा गाड़ी को ड्रॉप करने का। लाइट्स वगैरह मैंने इसलिए ओपन की थी फ्रंट हेडलाइट्स वगैरह कि शायद मैं इनको साफ़ करवाऊँ, पर वो कंडीशन मैंने जब लाइट ओपन की है मेरा दिल ही नहीं किया इनको साफ़ करवाने पर, एक साइड से शीशा थोड़ा सा क्रैक है, मैं कहा इसको फ़ायदा कोई नहीं साफ़ करवाने का, इंशाल्लाह लाइट्स ही रिप्लेस करेंगे फिलहाल, बाकी चीज़ों को इस तरह ज़रा गाड़ी को भी ज़रा साफ सूफ करके तो चलाते हैं, बाकी इंजॉय करते हैं मार्च तक, जब प्रोजेक्ट होगा तब देखी जाएगी, तब तक तो इंजॉय करें ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर लें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर शाम को। द नेक्स्ट डे सीन कुछ इस तरह है कि जो रिम मुझे चाहिए थे कल्टस वाले वो नहीं थे मिल रहे, वो कह रहे थे कि मेरे पास वैगनर के पड़े हुए हैं 4, अगर आप लगा के चेक कर लें, अगर लगती हैं तो फिर आपको ये वाले रिम दे देते हैं। मैं कहा चलें दे, मैं रात को एक रिम लेके आया पर इसकी PCBs के साथ मैच नहीं कर रही, तो अब जलालत का सामना करना पड़ना है, कोई नहीं अब चलते हैं चल के जाके अपने वो जो रिम वहाँ दिए थे वहाँ से कलेक्ट करते हैं, किसी और शॉप पर लीलो खुआर होते हैं और पता करते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। यार पता नहीं क्या वो जो रिम मैं चाह रहा हूँ मुझे वही नहीं मिल रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेल हो जाए ये ना हो सेल, एटलीस्ट मुझे रिम तो मिलने चाहिए ना, पर वो ही नहीं मिल रहे मुझे मार्केट के अंदर। तो कोई नहीं, अगर और कोई गाड़ी के मिले तो वो भी लगा लेंगे, बस मैच होनी चाहिए जो इसकी हब के ऊपर आके फिट हो जाए, तो वैगनर के तो नहीं फिट हुए, बाकी देखते हैं अब कि और कौन सी गाड़ी के फिट हो सकती हैं और हमें मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। Many minutes later. रिम्स मैंने ले लिए हैं, परचेज कर लिए हैं, अब मैंने कैमरे के अंदर क्यों नहीं दिखाया तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर तो मैंने डील करनी हो ना तो फिर मैं कैमरा लेके नहीं जाता। अभी मुझे इन रिम्स की भला क्या, वो कह रहे थे कि वो वाले रिम देने के बाद 3,000 आप और दें और रिम्स ले जाए, मैं कहा बड़ी बात है यार, मैंने तो कहा नहीं यार मैंने नहीं सेल करने में जा रहा, कहते हैं 2,000, मैं कहा नहीं यार 2,000 नहीं, पूरा पूरा काम करना है तो ठीक है अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, कहता है चलें आ जाएं आप कर लेते हैं, मैं कहा कर नहीं लेते पहले बात करें फिर उसके बाद फिर गाड़ी से टायर उतारे हैं, तो कहते हैं चलें ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर यही मैं कैमरा लेके चले जाता तो उन्होंने फिर भी मेरे से 1,000-2,000 ले ही लेना था, तो जिसकी वजह ये है कि मैं अगर डील को करनी हो तो ज़रा टिपिकल पाकिस्तानी बन के जाता हूँ और डील करके, और इसलिए फिर आपको मैं वो चीज़ नहीं शूट कर सकता, अगर वो चीज़ करनी हो अगर कैमरा लेके चले जाऊँ तो फिर मुझे पैसे देने पड़ते हैं। और साथ में मैं आपको भी टिप देता हूँ कि आप कभी किसी भी शॉप पर जाएँ तो ज़रा थोड़ा
मम्मी डैडी बच्चे नहीं बन के जाना, आपने थोड़ा सा इस तरह रोक के साथ जाना है ताकि अगले को लगे कि इनको थोड़ा बहुत पता है। और अपना मोबाइल भी आपने हाथ में ही पकड़ना, मैं भी अपना फ़ोन कभी हाथ में नहीं पकड़ के शॉप के अंदर एंटर हुआ, हमेशा पॉकेट के अंदर डाल कर ही लेके जाता हूँ। ये बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ अब ट्रेंड है, ये इसी तरह ही चलता है, जिसको मौका मिलता है वो इस तरह का काम करता है। तो बाकी कोई नहीं, अब रिम्स बहुत साफ हैं, चल के गाड़ी को फिट करती हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। One eternity later. तो टायर्स मैंने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर लिए हैं, जो मैं रिम्स लेके आया था। टायर्स पुराने ही हैं, रिम बस नए वाले लिए हैं, और साथ में व्हील कप मुझे लाना फिर याद नहीं रहा, व्हील कप लाऊंगा वो इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको व्हील कप लगे हुए नजर आएंगे। और बाकी गाड़ी जो पैक करनी है वो भी इंशाल्लाह ताला आज मैं कर लेनी है। कुछ मसरूफियत थी जिस वजह से गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। अभी इसको आज साफ सफाई करने के बाद, पेंट करने के बाद, इसको जितना भी सामान वगैरह गाड़ी का खुला हुआ है वो सारा पैक करूंगा। और कॉर्पोरेटर की बात आए तो वो मैं कल गया था उनके पास, वो कह रहे थे कि कल मिल जाएगा, मतलब कि इंशाल्लाह, अब आज ट्यूसडे है, इंशाल्लाह कल अब वेडनेसडे को आके कॉर्पोरेटर भी वो लगा जाएंगे। कहते कॉर्पोरेटर की किट खराब है जिस वजह से गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है। उसके बाद व्हील कप होंगे और गाड़ी थोड़ी सारी चलने में जो सी है ना वो खूबसूरत लगेगी। खूबसूरत क्या, बस ठीक है, कुछ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बाकी अगर बात की जाए, अभी ड्रॉप भी करवाना है गाड़ी को, उसके अलावा हेडलाइट्स वगैरह मैं इंशाल्लाह आज लगा दूंगा। Many hours later. गाड़ी भी मैंने सारी पैक कर ली है जितनी पैक हो सकती थी, क्योंकि फेंडर वगैरह देख सकते हैं अब नीचे से गले हुए हैं, ये देख सकते हैं ये रिम कदरे पहले वाले रिम से मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बाकी अगर फ्रंट से लुक की बात करें तो देख सकते हैं आप फुल पैक हो गई है। उस साइड से मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि ये वाला रिम भी लग गया है, ये दोनों साइड के लग गए हैं और गाड़ी काफ़ी बेहतर लग रही है। अब इंशाल्लाह कल कॉर्पोरेटर लग जाएगा, गाड़ी चलने के काबिल हो जाएगी और फिर इसको लेके जाएंगे और जाके गाड़ी को थोड़ा बहुत जितना भी ये गाड़ी जितनी भी ये गाड़ी लग सकती है खूबसूरत उसको बनाएंगे ड्रॉप करने से। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की वीडियो को फिर इधर ही खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।